विटारा ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर मारुति सुजुकी बनाता है। विटारा ब्रेजा भारत में पहली बार मार्च 2016 में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और जल्दी भारत की सबसे कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के अंदर नंबर वन एसयूवी बन गई थी। विटारा ब्रेजा मारुति सुजुकी का हाईली सक्सेसफुल मॉडल है। एसयूवी ने सेगमेंट के अंदर अपने डोमिनेंस को मेंटेन करके रखा है। आपको शायद ही पता होगा पर विटारा ब्रेजा ऐसी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे मारुति सुजुकी के R&D टीम ने डेवलप करा है, जो कंपनी की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। ब्रेजा अभी तक बहुत से अवार्ड्स जीत चुकी है, जिसमें कि इंडियन कार ऑफ द ईयर, कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर जैसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स शामिल हैं। हमेशा से ही विटारा ब्रेजा को अपडेट करने के अंदर मारुति सुजुकी प्रोएक्टिव रहा है। मारुति सुजुकी ने कार के अंदर फेसलिफ्ट, नए फीचर्स और सेफ्टी को समय समय पर अपडेट किया है। 2020 में विटारा ब्रेजा के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके कार के एफिशिएंसी को बढ़ाया है। तो आज की स्टूडियो में हम विटारा ब्रेजा के नए मॉडल पर किए कुछ बेहतरीन मॉडिफिकेशंस तथा कस्टमाइजेशंस देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नई जनरेशन वाली विटारा ब्रेजा रेंज रोवर इवोक के जैसे अंदाज में है, जहां पर कार की बॉक्सी डिजाइन रेंज रोवर के डिजाइन से थोड़ी बहुत मेल खाती है। इसी का फायदा उठाते हुए कई सारे इंडियन मॉडिफायर्स ने विटारा ब्रेजा को रेंज रोवर का चेहरा दिया है। ऐसे ही यहां पर विटारा ब्रेजा को रेंज रोवर बनाया है। ये कार गुजरात की है। फ्रंट में ब्रेजा के ग्रिल और हेडलैम्प्स को रीडिजाइन किया है। साथ ही गाड़ी में लगा बम्पर नया है। बोनेट पर रेंज रोवर की बैजिंग के साथ फेंडर भी अपडेट हो चुके हैं। कार में लगे अलॉयज नए हैं। साथ ही कार का रूफ ब्लैक में पेंटेड हो गया है। पीछे रेंज रोवर की लेटरिंग है। रियर बम्पर भी नया है। पूरी कार सिल्वर मैट फिनिश के साथ रिपेंट हो चुकी है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को मारुति वालों ने कंसिस्टेंटली इंप्रूव करा है। इवन गाड़ी की सेकंड जनरेशन नए ऊंचाइयों को छू रही है। ब्रेजा हमेशा से ही अपने प्रैक्टिकलिटी, इकोनॉमी फैक्टर की वजह से फेमस रह चुकी है, पर यह कार अपने मॉडिफिकेशंस की वजह से चर्चा का विषय बन गई है। यहाँ पर ब्रेजा को रेंज रोवर के जैसे दिखने के लिए बनाया गया है। नई जनरेशन विटारा ब्रेजा के फ्रंट लुक्स रेंज रोवर इवोक के जैसे अंदाज में है। फ्रंट में विटारा ब्रेजा के लुक्स में मेजर बदलाव है, जहाँ पर रेंज रोवर इंस्पायर्ड ग्रिल हनीकॉम इंसर्ट्स के साथ है। ऑफसेट ग्रीन कलर का लोगो कार के राइट साइड में लगा है। बोनेट पर भी रेंज रोवर की लेटरिंग नजर आती है। कार के हेडलैम्प्स स्मोक्ड ब्लैक ट्रीटमेंट में है। साइड में इवोक के जैसे अपसाइज आफ्टर मार्केट मल्टी स्पोक मशीन अलॉय व्हील्स बड़े टायर्स के साथ है। पीछे सुजुकी लोगो ब्रेजा लेटरिंग को हटाया गया है। अब यहाँ पर रेंज रोवर की लेटरिंग है। ओवरऑल गाड़ी अब रेंज रोवर विटारा ब्रेजा बन गई है। वैसे रेंज रोवर और नए विटारा ब्रेजा के अंदर बहुत फर्क है, पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस कार के डिजाइन के अंदर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, ये कार उसी का एक एग्जांपल है। मॉडिफायर ने इसमें रेंज रोवर वाली ग्रिल इंस्टॉल करी है, जिसकी वजह से फ्रंट लुक बहुत ही यूनिक बन गया है। अलॉयज के साथ छोटे मोटे चेंजेस को छोड़कर इस कार में कोई बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, पर कार के अंदर अब रेंज रोवर वाली वाइब्स आती है। रेंज रोवर इवोक लैंड रोवर का सबसे पॉपुलर कार लाइनअप। इवोक अपने कंफर्ट के साथ हायर परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। गाड़ी के लुक्स स्पोर्टी है। गाड़ी में लग्जरी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो गाड़ी है वो असल में विटारा ब्रेजा है, जो रेंज रोवर इवोक के जैसे दिखने के लिए मॉडिफाई हो चुकी है। विटारा ब्रेजा एक हैंडसम लुकिंग एसयूवी है। गाड़ी केरला में मॉडिफाई हो चुकी है। मारुति के एसयूवी के ऊपर किया गया ये मॉडिफिकेशन बहुत ही इंप्रेसिव है। अब गाड़ी की ओवरऑल बॉडी लग्जरियस लुक के जैसे दिखने लगी है। गाड़ी के फ्रंट में रेंज रोवर का आइकॉनिक ग्रिल देखने को मिलता है। गाड़ी का बम्पर हेवीली रीडिजाइन किया गया है। गाड़ी के हेडलैम्प सब इवोक के जैसे दिखते हैं। गाड़ी की रियर साइड भी बहुत हद तक इवोक के साथ मेल खाती है। गाड़ी के मल्टीस्पोक अलॉयज लोअर साइज टायर के साथ ठीक ठाक है। गाड़ी के अंदर मारुति का 1.3 लीटर डीजल इंजन है। इस वाली विटारा ब्रेजा को रेंज रोवर में कन्वर्ट करके 13 लाख में बेचा गया है। ये वाली मॉडिफाइड ब्रेजा प्री फेसिलिटेड मॉडल है। कार के मॉडिफिकेशंस के अंदर कस्टम बम्पर है, जो लोअर स्टंस एसयूवी को देता है। कार के फ्रंट बम्पर में ही मेजर चेंजेस है। कार के स्टॉक ग्रिल को हटाकर TRD स्टाइल ग्रिल को लगाया है। कार के हेडलाइट्स तो ओरिजिनल है,
पर फॉग लाइट्स एक आफ्टर मार्केट यूनिट है। हुड पर फॉक्स एयरवेंट्स है। कार के अलॉय व्हील्स को भी कस्टमाइज किया गया है जो कि रेड रैप में है। कार के पीछे की तरफ कोई भी बड़ा बदलाव नहीं और ना ही कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों यही थी वो कुछ बेस्ट मॉडिफाइड विटारा ब्रेजास। आप और कौन से कार का मॉडिफिकेशन हमारे चैनल पर देखना पसंद करेंगे ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।